चलो मैंने झाड़ू तो लगा दी, अब मैं ऊपर चलती हूँ और देखती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। ओ फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, एक मिनट मैं ये झाड़ू रख दूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आर्ट एंड प्ले विद तानिया। सो फ्रेंड्स, आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको हमारा आफ्टरनून टू इवनिंग रूटीन, मतलब मेरा आफ्टरनून टू इवनिंग रूटीन। सो फ्रेंड्स, अभी मैं चलती हूँ, देखती हूँ धनवी और प्रिंस क्या कर रहे हैं, मगर उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, आपने मेरा मॉर्निंग रूटीन तो देखा ही होगा, अगर आपने नहीं देखा है ना तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं और उस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अब मैं देखती हूँ धनवी प्रिंस क्या कर रहे हैं, कहीं फिर से लड़ तो नहीं रहे? नो, मैं जल्दी से चलती हूँ, देखती हूँ क्या कर रहे हैं वो दोनों। बच्चों, तुम्हारी ऑनलाइन क्लास हो गई? लगता है अभी हो रही है। ओके, कर लो तुम लोग, तो मैं सिपर में पानी में फिल करके ले आती हूँ, रुको। यस मैम। ओके मैम। मैम वो नोट्स तो वाली? ओके मैम, लो बेटा। थैंक यू मम्मा। ओके आप क्लास कर लो, मैं चलती हूँ। ओके मम्मा। यस मैम। ओके। मैं ना फ्रेंड्स बच्चों को देखने गई थी कि वो सही से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या फिर उन्होंने ऑनलाइन क्लास बंक तो नहीं कर दी। फ्रेंड्स, हमें ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए, हमें अपनी क्लास प्रॉपरली लेनी चाहिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ, प्रॉपर बुक्स के साथ एंड हमारे पास हमारी बॉटल्स में या फिर सिपर्स में पानी भी होना चाहिए, ताकि हमें क्लास के बीच में अगर प्यास लगे तो बार बार उठना ना पड़े कभी, तो फिर इससे हमारी क्लास मिस हो सकती है। और फ्रेंड्स, आप लोग कभी भी क्लास बंक मत कीजिएगा, इससे आपका कोई प्रॉफिट नहीं है, फिर आपका ही काम रह जाएगा और एग्ज़ाम्स जब होंगे तो फिर आपको अपने फ्रेंड से काम मांगना पड़ेगा और ना ही आपको कुछ समझ में आएगा और ना ही फिर आप एग्ज़ाम अच्छे से कर पाओगे। इसलिए फ्रेंड्स, हमें क्लास बंक कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो स्कूल में हो या फिर ऑनलाइन हो, ठीक है ना फ्रेंड्स? और हमें हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी भी पीते रहना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। और फ्रेंड्स, अब मेरे घर का भी सारा काम हो गया है एंड अब बस लंच प्रिपेयर करना रह गया है। धनवी फ्रेंड्स की लास्ट ऑनलाइन क्लास है, जो कि 12 o'clock तक उनकी लास्ट क्लास होती है, उसके बाद नहीं होती है। और अभी 12 o'clock होने में बस थोड़ा सा ही टाइम है एंड धनवी प्रिंस को फिर भूख भी लग जाएगी, इसलिए मुझे फटाफट से अब ब्रेकफास्ट रेडी करना होगा, सॉरी ब्रेकफास्ट नहीं, लंच रेडी करना होगा। सो चलिए मैं लंच की प्रिपरेशन कर लेती हूँ एंड आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ मिक्स सब्जी एंड चपाती, क्योंकि मिक्स सब्जी है तो उसके संग राइस तो अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए बस मिक्स सब्जी बनाऊंगी एंड चपाती बनाऊंगी मैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं लंच रेडी कर लेती हूँ, देन मैं मिलती हूँ आपको लंच रेडी करने के बाद। लगता है बच्चे नीचे आ रहे हैं। मम्मा मम्मा। बच्चों क्या हुआ? मम्मा खाना रेडी हो गया? बस होने ही वाला है। ओके मम्मा, जल्दी ले आओ, हमें बहुत भूख लग रही है। ओके बच्चों, मैं अभी लेके आती हूँ, आप लोग बैठो डाइनिंग टेबल पे, मैं लाती हूँ। मम्मा जल्दी ले आओ ना, बहुत भूख लग रही है, पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। ओहो, ओ चूहे दौड़ रहे हैं? हाँ मम्मा जल्दी ले आओ, बहुत भूख लग रही है। हाँ बस रेडी हो गया है, मैं 2 मिनट्स में लेके आती हूँ। ओके जल्दी जल्दी। ये लो बेटा, कर लो लंच, और लंच करने के बाद आप लोग थोड़ा रेस्ट कर लेना। ओके मम्मा, बट हमें तो टीवी देखना है लंच के बाद। हाँ बेटा, आप टीवी भी देख लेना, मगर रेस्ट करने के बाद। अभी आप लंच कर लो, उसके बाद आप रेस्ट कर लेना, उसके बाद आप टीवी देख सकते हो, ठीक है? ओके मम्मा। ओके ओके मम्मा।
मम्मा आप हमारे साथ लेट जाओ ना, हमें सुला दो। ओके बेटा, मैं अभी आपको सुला देती हूँ। ओके थैंक यू मम्मा। यू आर वेलकम। चलो बच्चे तो अब सो गए हैं, मैं भी लंच कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, बच्चे तो अब सो गए हैं, अब मैं भी लंच कर लेती हूँ एंड मैं आपको मिलती हूँ इवनिंग टाइम में। मुझे लंच में बहुत लेट हो चुका है, 2:00 कोचिंग है, मुझे जल्दी से लंच कर लेना चाहिए। और फ्रेंड्स, जब तक मैं लंच कर रही हूँ, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपको इवनिंग टाइम में। सो फ्रेंड्स, अब इवनिंग के 4:00 हो चुके हैं एंड अब मैं धनवी प्रिंस को उठाने जा रही हूँ। फिर देखते हैं ये क्या करते हैं, क्योंकि बच्चों का कुछ नहीं पता। कभी इनका मन होता है टीवी देखने का, कभी खेलने का। अभी आफ्टरनून में बोल रहे थे टीवी देखने के लिए, अब क्या पता इनका प्लान चेंज हो जाए और ये खेलने लग जाएँ। इसीलिए पहले मैं चलिए उन्हें उठा लेती हूँ, फिर देखते हैं ये क्या करने वाले हैं अब। ओहो, इन्होंने तो ब्लैंकेट भी सही से नहीं उड़ा हुआ है। देखो तो प्रिंस कैसे सो रहा है। फ्रेंड्स, धनवी तो आराम से सो रही है, बट ये कैसे सो रहा है। इन्हें मैं उठाती हूँ। प्रिंस, प्रिंस धनवी उठ जाओ बेटा, देखो इवनिंग टाइम हो गया, आपको अब टीवी नहीं देखना। उठ जाओ। गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग मम्मा। अरे अरे, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग। इवनिंग हो रही है, मॉर्निंग नहीं। ओह सॉरी मम्मा, गुड इवनिंग मम्मा, गुड इवनिंग मम्मा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो आ जाओ अब डाइनिंग टेबल पे, आपका मिल्क रेडी है, आके जल्दी से मिल्क पी लो। ओके ओके मम्मा। और भाई बच्चों, अब आगे का क्या प्लान है, खेलना है या फिर टीवी देखना है? मम्मा मैं तो अपनी बनाना स्कूटी चलाऊंगी। और मम्मा मैं अपनी साइकिल चलाऊंगा। ओह, जब आफ्टरनून टाइम था तब तो आप लोग कह रहे थे कि आप लोग टीवी देखोगे। हाँ, बट अब हमारा मूड चेंज हो गया है। ओह ओके, एज योर चॉइस। अब फटाफट से मिल्क फिनिश कर लो, देन आप चले जाओ। पर देखो कहीं और मत जाना बच्चों, आसपास में यहीं पे ही खेलना। ओके ओके मम्मा। और जल्दी आ जाना, नहीं तो फिर मुझे बुलाने आना पड़ेगा, आप लोगों के एग्जाम्स भी है ना बच्चों, इसलिए। ओके ओके मम्मा, प्रॉमिस, हम आ जाएंगे थोड़ी सी देर में। मुझे पता है, चलो ठीक है, आप तुम लोग जा सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब वो दोनों तो गए खेलने एंड अब मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय बना के फिर मैं भी चाय बना के थोड़ी देर अपनी पीऊंगी उसके, क्योंकि अब ठंड हो रही है ना फ्रेंड्स। चलो प्रिंस, हम रेस लगाते हैं। देख लो दीदी, आप हार जाओगी मुझसे। हाँ, ऐसे कैसे, पहले देखते तो हैं, तब पता चलेगा तुझे कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ठीक है चलो। वाओ, चाय तो आज बहुत ही बहुत ही बहुत ही टेस्टी बनी है। मैं भी खुद से खुद की तारीफ कर रही हूँ, बट फ्रेंड्स सच में आज तो चाय मेरी बहुत ही अच्छी बनी है। वाओ, ये ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है, धनवी पे तो ये बहुत ही सूट करेगी। जब विशाल जी आएंगे ना तो मैं उनसे बात करूँगी, ये ड्रेस धनवी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। चलो ठीक है। देखा प्रिंस, जीत गई ना मैं। तो क्या हो गया, अगर आप एक बार जीत गई तो अगली बार तो मैं ही जीतूंगा, देख लेना। ओ डियर प्रिंस, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है। अरे बच्चों, तुम दोनों आ गए। हाँ मम्मा, आपने कहा था ना तुम आ जाना थोड़ी देर में, इसलिए हम आ गए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, चलो आ जाओ। हाँ मम्मा। आप स्टडी कर लें बच्चों थोड़ी देर, जाओ अपनी बुक्स एंड कॉपीज ले आओ। ओके मम्मा, हम अभी आते हैं। वेरी गुड, जाओ। ओके। अच्छा तो ये है तुम लोगों का असाइनमेंट। ओके बच्चों, अब हमें ये असाइनमेंट अच्छे से कंप्लीट करना है ना, तो आप लोग फटाफट से अब ये सब लर्न कर लो, जो भी आप लर्न कर रहे हो ना जल्दी से कर लो। ओके।
सो फ्रेंड्स, अब मैं इन्हें स्टडी करा लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे व्लॉग बनाते बनाते स्टडी कराऊंगी इन्हें वीडियो बनाते बनाते, तो फिर तो ना इनकी स्टडी हो पाएगी और ना ही मेरी वीडियो बन पाएगी। इसलिए फ्रेंड्स, मैं अभी ये वीडियो एंड करती हूँ। यही था मेरा आफ्टरनून टू इवनिंग रूटीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।